sube, sube el mic, mic. Que vamos, que vamos, que vamos pa' la gozadera. सोयाबीन की खेती में खरपतवार तो बहुत होता है। सावा है, बोकनी है, फुलकिया, गाजर घास, दिवालिया, आधा सीसी, दुद्दी, 10 प्रकार का घास होता है। एक प्रकार का भी घास मेरे खेत में नहीं आया। बहुत सारी कंपनियों की दवाई जो 15 दिन बाद डालने वाली, चौड़ी पत्ती के लिए अलग और पतली पत्ती के लिए अलग, काफी खर्चा बैठता है। फिर वो रिजल्ट नहीं मिलता उसको, फिर निंदाई करवाते हैं लेबर लगा। FMC की अथॉरिटी NXT जो दवाई डाली है, बढ़िया कट नोजल से हमने 72 घंटे के अंदर डाली है, उसमें बहुत अच्छा हमें रिजल्ट मिला है। 40 रोज तक हमने उसमें कुछ भी नहीं डाला, खरपतवार सोयाबीन में उगा ही नहीं, सारी समस्याएं दूर हो गई हमारी। बीज अगर खरपतवार के होते हैं वो अंकुरित होते हैं, वो वहीं पर नष्ट हो जाते हैं। और जो 25 दिन बाद वाली जो दवाई डालते हैं उसमें क्या होता है कि चारा निकल जाता है और जो भी हम खाद डालते हैं वो भी उसको खा जाता है। तो इससे अच्छा है कि 72 घंटे पहले वाली जो अथॉरिटी मेक्स है वो डालो, तो 15 दिन तक का रास्ता ही देखने की जरूरत ही नहीं है। अथॉरिटी NXT एक ही बार डाली, आपको डबल से खरपतवार नाशक डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हर किसान इसका उपयोग करेगा तो उसको उसका पूरा फायदा मिलेगा। ये ज्यादा नहीं तो कम से कम जिसके पास 10 बीघे है वो 2 बीघे में डाल के उसको एक बार इसका डेमो देख लो, तो अगले बार तुम 10 बीघे में पूरे में कंप्लीट इसको डालोगे।